नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऑनलाइन एग्रीमेंट कैसे बनाते हैं। अगर आप ये सीख लेते हैं तो आपको अच्छा खासा एक जॉब मिल सकती है गल्फ कंट्रियों में, ओमान, कतर, दुबई। यहाँ पे इस टाइप के जॉब के ज़्यादातर वैल्यू है और अच्छी खासी आपको एक मोटी रकम सैलरी मिलने वाली है और ऑफिस के अंदर का काम रहेगा। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और आपको दिखाता हूँ इसको कैसे एग्रीमेंट बनाते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें, तभी आपको मालूम चलेगा आपको कैसे एग्रीमेंट बनाना है और कैसे ये इसको इस काम को आप सीख सकते हैं। अगर ये स्किल आप अपने आप में डेवलप कर देते हैं तो बहुत ही बेहतरीन काम है और आपको अच्छी खासी एक सैलरी मिलने वाली है इधर आने के बाद से। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और आपको दिखाता हूँ। मैंने अपना ब्राउज़र ओपन कर लिया है, यहाँ पे सिंपली हम टाइप कर देंगे मस्कत म्यूनसिपल्टी। अभी मैं ओमान में रहता हूँ तो यहाँ का जो म्यूनसिपल्टी ऑफिस है उसको मस्कत म्यूनसिपल्टी ऑफिस बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ मैंने टाइप कर दिया है, मस्कत म्यूनसिपल्टी ई सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे आपको जो फर्स्ट लिंक दिखेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है मस्कत म्यूनसिपल्टी ई सर्विसेज पोर्टल, तो इस पे हमको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद से अभी आप जो मस्कत म्यूनसिपल्टी का पोर्टल है उसमें आप इंटर कर चुके हैं और इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से रहेगा। यहाँ से आप सारे चीज कर सकते हैं रिलेटेड, जो भी यहाँ का बिजनेस एग्रीमेंट है, वीजा के लिए, टिकट के लिए, सब काम यहाँ से आप कर सकते हैं जितने गवर्नमेंट के सर्विसेज आते हैं मस्कत में। तो अभी हम एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाले हैं जिसको एग्रीमेंट बोलते हैं, तो अभी हम न्यू सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अभी हम दूसरे पेज में एंटर कर चुके हैं, यहाँ पे लिखा हुआ रेंट कॉन्ट्रैक्ट, म्यूनसिपालिटी लाइसेंसिंग, ये यहाँ पे सब तरह के एग्रीमेंट बनते हैं जो कि यहाँ पे अगर आप आते हैं कुछ भी ओपन करना चाहते हैं बिजनेस या कुछ प्रॉपर्टी रेंट कर रहे हैं तो एग्रीमेंट माइनेटरी है। अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तो आपके ऊपर एक मोटा रकम फाइन भी आ सकता है, अगर जब चेक करेगी तब यहाँ की जो गवर्नमेंट की स्टाफ है। तो अभी हम कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाले हैं जो कि एक फ्लैट का कॉन्ट्रैक्ट है, तो अभी हम फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद से हम दूसरे पेज में एंटर कर चुके हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शन दिया हुआ है। तो अभी हम इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, जो एग्रीमेंट है वो ओनर है और जो टेनेंट है, जो किराएदार है, वो दो आदमी ही मिलके कॉन्ट्रैक्ट को बना रहे हैं। और इसमें और भी दूसरा कंपनियों का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जो कि रियल इस्टेट कंपनी होती है वो भी कॉन्ट्रैक्ट बनाती है। तो हम लोग अभी जो इंडिविजुअल है उसके सेल्फ में जा रहे हैं, तो इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाते हैं वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये काफ़ी सारा यहाँ पे ऑप्शन है, ये मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा। तो अभी फिलहाल हम अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं। इस पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद से आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ चुका है। और अभी हमको यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द लैंडलॉर्ड टाइप पर्सन, इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद से यहाँ पे क्लिक करने के बाद से आप देख सकते हैं न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द लैंडलॉर्ड टाइप पर्सन आ गया है और यहाँ से अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है। उसके बाद से यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है वो रिक्वायर्ड बता रहा है, तो अभी हमको इस पे क्लिक करना है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद से आप देख सकते हैं इतने सारे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है जो कि आप अगर एग्रीमेंट बनाते हैं प्रॉपर्टी का तो। और यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है वो टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म का दिया है, तो अभी हम क्या करेंगे ऑनलाइन टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म को फिल करेंगे, उसके बाद से उसको डाउनलोड करेंगे। उसके बाद से लैंडलॉर्ड का जो ओनर है फ्लैट का उसका सिग्नेचर और जो किराएदार है उसका सिग्नेचर उस पर लगा के वापस से अपलोड करना पड़ेगा। तो अगले स्टेप में मैं वो बताऊंगा आपको, फिलहाल आज मैं आपको बताने वाला हूं कॉन्ट्रैक्ट को कैसे फिल करते हैं जो फॉर्म होता है। तो अभी हम क्लिक कर देंगे टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म पे और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा न्यू टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म। अभी यहाँ से आपको सारे डिटेल्स फिल करने हैं, जो ओनर के डिटेल्स होते हैं, उसके बाद से जो बिल्डिंग है बिल्डिंग की डिटेल्स होती है और क्या आप रेंट कर रहे हैं, शॉप रेंट कर रहे हैं, कोई दुकान रेंट कर रहे हैं तो दुकान यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, अगर कोई फ्लैट रेंट कर रहे हैं तो फ्लैट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसको आपको लाइव दिखाता हूँ और कैसे इसको फिल करना है।
तो आप देख सकते हैं फर्स्ट जो ऑप्शन दिया है यहाँ पे दिया है लीजर का, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम चूज कर लेंगे पर्सन, क्योंकि हम इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाले हैं तो पर्सन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद से यहाँ पे जो नाम है ओनर का वो नाम फिल कर देंगे, तो नाम अभी हम डालने वाले हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फिल कर दिया जो लैंडलॉर्ड का डिटेल्स है, और उसके बाद से आपको नीचे आ जाना है। आप देख सकते हैं फॉर्म में ज़्यादा कुछ नहीं दिया, यहाँ पे लीजर नेम दिया है जो कि ओनर का नाम रहेगा, यहाँ पे उसका जो आईडी कार्ड है आईडी कार्ड का नंबर रहेगा, और उसके बाद से यहाँ पे एड्रेस पे आपको जिस सिटी से है वो सिटी टाइप कर देना है। तो मैंने मस्कट से हूँ, मैं मस्कट डाल दिया हूँ, और यहाँ पे जो दिख रहा है मोबाइल नंबर, यहाँ पे मोबाइल नंबर सिंपली आपको फिल कर देना है। उसके बाद से नीचे की तरफ आ जाते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं आप ओनर डाटा लिखा हुआ है। तो अगर एक प्रॉपर्टी दो ओनर परचेस करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई वाइफ हस्बैंड का नाम है एक ही फ्लैट या एक ही प्रॉपर्टी के अंदर, तो वहाँ पे वो सेकेंड ओनर का भी नाम यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल में एक ही ओनर है तो उसी का डाटा हम फिल कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इज द लैंडलॉर्ड वो पूछ रहा है क्या जो ओनर ऊपर का है वही ओनर सेम नीचे का भी एक ही है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और सिंपली यस पे ट्रिक लगा देंगे। यस अभी देख सकते हैं उसका जितना डाटा था वो सब यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो चुका है, तो यहाँ पे हमको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद से नीचे की तरफ आ जाएंगे, अभी यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपर्टी डाटा दिखा रहा है, जो कि प्रॉपर्टी डाटा में आपको सेलेक्ट करना है सारे जो बिल्डिंग के एड्रेस होते हैं, जो रोड नंबर है, वे नंबर है, ब्लॉक है, बिल्डिंग नंबर और फ्लैट नंबर। तो यहाँ से अभी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। पहला इसका जो ऑप्शन दिख रहा है पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत तरह का ऑप्शन है, लेकिन हम रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है तो उसको रेंट कर रहे हैं, तो रेजिडेंशियल पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद से यहाँ पे पूछ रहा है टाइप ऑफ द रेजिडेंस यूज, किसके लिए यूज करना चाहेंगे आप, जो मेन पावर है उसके लिए, या फिर फैमिली रेजिडेंस है, बैचलर हाउसिंग है और स्टूडेंट अकोमोडेशन है। तो अभी हम फैमिली रेजिडेंस पे कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाले हैं, तो फैमिली रेजिडेंस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद से यहाँ पे पूछ रहा है ट्रैक नंबर, तो ट्रैक नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। अभी मैं सब डाटा फिल कर देता हूँ, फिर आपको एक एक करके बता देता हूँ कैसे इसको करना है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी डाटा मैंने फिल कर दिया है सब, यहाँ पे जो पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में रेजिडेंस फिल करना है, और टाइप ऑफ द रेजिडेंस यूज इसमें फैमिली रेजिडेंस फिल कर दिया हूँ, और यहाँ पे ट्रैक नंबर पूछ रहा है। ट्रैक मीन्स जो रोड रहता है बिल्डिंग के पास में, उस रोड का नंबर आपको यहाँ पे डालना है। तो बिल्डिंग का नंबर भी मैंने जो रोड नंबर है वो भी डाल दिया हूँ, और यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर पूछ रहा है जो कि बिल्डिंग का ब्लॉक नंबर बोलते हैं, उसको ब्लॉक को कम्प्लेक्स बोलते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है।
उसके बाद से आप स्ट्रीट नंबर पूछ रहे हैं, तो ट्रैक नंबर और स्ट्रीट नंबर दोनों सेम ही होता है, तो हमने दोनों को एक ही नंबर फिल कर दिया है, यहाँ पर भी मैंने फिल कर दिया है। और यहाँ पे सिटी पूछ रहे हैं कौन से सिटी में आपका हाउस है, तो मैंने सिटी सेलेक्ट कर लिया हूँ। और उसके बाद से यहाँ पे जो पार्ट नंबर है, जो फ्लॉट नंबर रहता है, फ्लॉट नंबर यहाँ पे डाल देना है, सो मैंने फ्लॉट नंबर यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद से लैंड यूज पर्पस पूछ रहा है, तो रेजिडेंशल है, उसके लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, तो रेजिडेंशल मैंने सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद से अब नीचे की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं यूनिट डाटा ये पूछ रहा है, यूनिट डाटा में जो अपार्टमेंट शॉप्स ETC क्या क्या चीज़ है। तो अभी हम अपार्टमेंट के लिए बना रहे हैं, तो अपार्टमेंट में जो भी इलेक्ट्रिसिटी वाटर डिटेल है वो सब यहाँ पे फिल करना है, और रेंट का अमाउंट कितना है वो भी फिल करना है। तो चलिए मैं फिल कर देता हूँ, उसके बाद से आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सब फिल कर दिया है, यहाँ पे सिर्फ सिंपली ऐड पे क्लिक कर देंगे, ऐड मॉड्यूल पे, तो एक ऐड हो जाएगा। यहाँ पे मैंने वाटर अकाउंट फिल कर दिया है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जो अकाउंट नंबर होता है वो भी मैंने फिल कर दिया है। उसके बाद से जो रेंट वैल्यू है वो भी यहाँ पे मैंने फिल कर दिया है, और यहाँ से यूनिट नंबर आपको डाल देना है, जो भी आपका फ्लैट का नंबर हो, और यहाँ से आपको यूनिट टाइप सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारा चीज़ दिखेगा, कमर्शियल का भी दिख रहा है, ATM का दिख रहा है, और भी सारे ऑप्शन हैं। तो अभी हम फ्लैट अपार्टमेंट का जो एग्रीमेंट बना रहे हैं, तो फ्लैट अपार्टमेंट पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद से सिंपली ऐड पे क्लिक कर देंगे। अभी देख सकते हैं नीचे सब डाटा ऐड हो चुका है, जो वाटर अकाउंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, और रेंट अमाउंट है, यूनिट नंबर, फ्लैट। उसके बाद से नीचे आ जाते हैं, अभी यहाँ पे टेनेंट डाटा दिया है, तो जो भी किरायेदार है उसका डाटा यहाँ पे फिल करना है, तो चलिए वो फिल कर लेते हैं, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सब टेनेंट का डाटा है वो फिल कर दिया है। जो टेनेंट का यहाँ पे आपको पर्सन चूज़ कर लेना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, पर्सन पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे टेनेंट आईडी कार्ड और सिविल कार्ड पूछ रहा है, तो टेनेंट का जो भी कार्ड नंबर होता है वो कार्ड नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो मोबाइल नंबर मैंने डाल दिया है, और यहाँ पे मेल बॉक्स पूछ रहा है, ये मैनेटरी नहीं है, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, ऑपरेशनल है, और इसको भी मेल एड्रेस भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपली बस हम एड्रेस पे डाल देंगे, जो कि एड्रेस पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी स्टार का ये साइन लगा है ये मैनेटरी है, अगर ये आप फिल नहीं करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, तो ये आपको हमेशा याद रखना है कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म फिल करते टाइम। तो अभी मैंने मस्कट यहाँ पे सेलेक्ट किया क्योंकि मस्कट से मैं हूँ और यहाँ के लिए बना रहा हूँ। उसके बाद नीचे आ जाएंगे तो ये पूछ रहा है कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स,
अभी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स में आपको फिल करना है आप कौन सा डेट से कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं और कितने दिन के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट दिया एंड डेट, तो उसके बाद से कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट डेट। तो यहाँ पे हम स्टार्ट पे इस पर क्लिक करेंगे, कैलेंडर पे क्लिक करने के बाद से आप देख सकते हैं कुछ ऑप्शन इस तरह का आ चुका है और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं हमारा स्टार्टिंग कॉन्ट्रैक्ट डेट और उसके बाद से एंड कॉन्ट्रैक्ट डेट। तो फर्स्ट ऑफ जनवरी से हमारा कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट ऑफ जनवरी इस पर क्लिक कर देंगे, 2024 आ गया। और उसके बाद से एंड डेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम चले जाएंगे एंड ऑफ मंथ में। तो यहाँ से हम इसको चले जाते हैं दिसंबर, ये देख सकते हैं दिसंबर आ चुका है, दिसंबर 30 को कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा। सो ये स्टार्टिंग डेट है और ये एंड डेट है, ये सेलेक्ट कर लिया हमने। अभी यहाँ से सेकंड पूछ रहा है पे एवरी, अभी ये पूछ रहा है कितने दिन का आपको पेमेंट मिलता है, एडवांस पेमेंट है और कैसा है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। हम इस पर तो ये देख सकते हैं, अभी यहाँ पे पूछ रहा है एवरी, तो ये देख सकते हैं अभी जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे पूछ रहा है पे एवरी, अभी आपको कितना दिन के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाने का है, मंथ के लिए बनाने का है, ईयर के लिए बनाने का है, जैसा है आप इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पे हम ईयरली बनाने वाले हैं तो एक साल का एग्रीमेंट हम बनाने वाले हैं तो ईयर पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद से यहाँ पे आपको डालना है कितना आपको पेमेंट एडवांस मिलता है, तो नॉर्मली एक मंथ का एडवांस पेमेंट लेते हैं हम लोग, उसके बाद ही रेंट करते हैं प्रॉपर्टी, क्योंकि इधर का गवर्नमेंट का ऐसा ही रूल्स है। तो हम मन इसमें टाइप कर देंगे। रेंट अमाउंट देख सकते हैं यहाँ पे टोटल रेंटल वैल्यू आ गया है, 330 का रेंट हुआ है। अब यहाँ पे पूछ रहा है रेंट पेमेंट मेथड, आप पेमेंट कैसे लेते हैं रेंट का, चेक लेते हैं, कैश अमाउंट लेते हैं या फिर ऑनलाइन लेते हैं। तो अभी हम चेक्स पे क्लिक कर देंगे क्योंकि चेक्स ले रहे हैं, चेक्स पे क्लिक कर दिए। अभी यहाँ पे जो आपका लास्ट स्टेप है डाटा कन्फर्मेशन का, और अभी आपका सब फिल हो चुका है, एक बार डबल चेक कर लेंगे हम, वापस जाते हैं। उसके बाद से यहाँ पे ओनर डाटा सब चेक करेंगे, तो आप देख सकते हैं हमने सारा फॉर्म को प्रॉपरली फिल कर दिया है। और यहाँ पे अभी डाटा कन्फर्मेशन का दिखा रहा है, तो यहाँ पे अभी हमको ट्रिक करने का है। और उसके बाद से यहाँ पे लिखा है द कॉन्ट्रैक्ट डाटा हैज बीन रिव्यू एंड वेरीफाई, इसका मतलब होता है आपने जो डाटा फिल किया आपने उसको प्रॉपर चेक किया है और सब कुछ करेक्ट है। उसके बाद से यहाँ पे टिक करेंगे, टिक करने के बाद से आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से टिक लग गया है। और यहाँ पे अभी हमको क्लिक करना है सेव डाटा इन द प्रिंट फॉर द फॉर्म, तो इस पर क्लिक करने के बाद से आपका फॉर्म, इस पर क्लिक करने के बाद से आपका फॉर्म है वो प्रिंट हो जाएगा, आपका एक पीडीएफ फाइल मिल जाएगा जिसको आप प्रिंट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद से आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है सेव डाटा इन द प्रिंट द फॉर्म, इस पर क्लिक करने के बाद से आपका जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है एक पीडीएफ फाइल में डाउनलोड हो जाएगा और उसके बाद से आप इसको प्रिंट करके सिग्नेचर ले सकते हैं या जो भी यूज करने का है कर सकते हैं। सिग्नेचर लेकर नॉर्मली आपको वापस से फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए अभी हम क्लिक करके इस पर देख लेते हैं कैसा हमारा फॉर्म का लुक्स दिखता है। अभी मैं क्लिक कर देता हूँ। अभी यहाँ पे पूछ रहा है आपने जो भी फॉर्म फिल किया हो क्या सब आप करेक्ट फिल किया हो और आप इसका रिस्पॉन्सिबल हो, तो इस पर अभी हम फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और देख सकते हैं जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है द एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली फॉर्म नंबर, तो ये हमारा फॉर्म नंबर है और जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अभी यहाँ से हमको क्लिक कर देना है प्रिंट कॉन्ट्रैक्ट पे, भी देख रहे हैं कुछ इस तरीके से हमारा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म बन के रेडी हो चुका है। और यहाँ पे आपने जो भी डाटा फिल किया था वो सारा डाटा यहाँ पे इंटर आपको दिख रहा है, जो भी बिल्डिंग नंबर, ब्लॉक, फ्लैट नंबर जो भी आपने डाला था। और उसके बाद से अभी आपको यहाँ पे दो काम करना है, यहाँ पे आपका ओनर का नाम, सिग्नेचर और डेट, उसके बाद से आईडी कार्ड लगाना है, आईडी कार्ड नंबर, और यहाँ से लैंडलॉर्ड का भी सेम वही है, नाम है, सिग्नेचर है, उसके बाद से डेट है और आईडी कार्ड का नंबर यहाँ पे आपको
लिख के उसके बाद से वापस से अप्लाई करना है, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं तो ऑनलाइन भी आप जो डिजिटल सिग्नेचर है वो भी यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं, वो भी वैलिड है। और नीचे करके आप आ जाएंगे तो आप देख सकते हैं टोटल 3 पेज का फॉर्म है, और यहाँ पे आपका जो वाटर का अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी और रेंट, फ्लैट और रूम नंबर, जो फ्लैट नंबर रहता है वो सब यहाँ पे दिखा दिया है। और हमारा कॉन्ट्रैक्ट अभी प्रिंट करना है, प्रिंट करके सिग्नेचर लेना है, बस उसके बाद से दोबारा से अप्लाई करना है। तो कुछ इस तरीके से हमारा फॉर्म बन के तैयार हो जाएगा। होपफुली आपको समझ में आया होगा।